खबर बिजनौर से है। जनपद में कच्ची अवैध शराब का कारोबार बड़े पैमाने पर फल फूल रहा है। अवैध शराब के सेवन से लोगों की मौत की घटना भी जिले के कई क्षेत्रों में पहली हो चुकी है, जिसको देखते हुए मंडलायुक्त मुरादाबाद और पुलिस महानिरीक्षक मुरादाबाद के दिशा निर्देश पर बिजनौर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह के दिशा निर्देश पर थाने की पुलिस ने देर रात बड़ापुर क्षेत्र में कच्ची अवैध शराब का कारोबार करने वालों के यहां छापेमारी कर दबिश दी। इस कड़ी में पुलिस ने अवैध शराब बनाने वाले एक को शराब बनाते हुए गिरफ्तार कर लिया, जबकि 9 लोग फरार हो गए। गिरफ्तार हुआ आरोपी अपने साथियों के साथ अवैध शराब का कारोबार काफी लंबे समय से करता आ रहा है। आपको बता दें कि बिजनौर के बड़ापुर थाना क्षेत्र के चंपतपुर क्षेत्र में पुलिस द्वारा दबिश दी गई, जिसके चलते पुलिस ने एक रणवीर सिंह शराब आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि इस कारोबार से जुड़े 9 लोग पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गए। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस द्वारा दबिश दी गई और मौके से पुलिस को भारी मात्रा में कच्ची अवैध शराब बनाने की भट्टी, लोहे के ड्रम, यूरिया, लहान, 300 लीटर कच्ची शराब और भट्टी सहित शराब बनाने के अन्य उपकरण बरामद हुए। एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि अवैध शराब का कारोबार करने वालों एक व्यक्ति को अवैध कच्ची शराब के साथ पकड़ा गया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया, जबकि इस कारोबार को कर रहे 9 लोग फरार हो गए, उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ताबिश मिर्जा, बिजनौर। थाना बड़ापुर पुलिस, वार्ड क्षेत्राधिकारी, पुलिस पीएसी बल के साथ चंपतपुर चकला और मधपुरा गांव में आज रेड किया गया। रेड के दौरान कई भट्टियां पकड़ी गई, तोड़ी गई, शराब लगभग 500 लीटर और लहन लगभग 1500 लीटर इसको नष्ट किया गया। इसके अभियोग पंजीकृत करके विधि कार्रवाई की जा रही है। एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है, लेकिन 9 अभियुक्त भागने में सफल रहे हैं। टीम बनाकर के इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। बड़ापुर क्षेत्र जो देसी कच्ची शराब बनाने का इलाका है, इस पर लगातार चौकसी दबिश गिरफ्तारी के नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार, और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।